मोटू पतलू जब छोटे थे तब वह एक साथ ही रहा करते थे। गर्मियों का मौसम था, बहुत ज़्यादा गर्मी पड़ रही थी। मोटू को घर के अंदर बहुत गर्मी लग रही थी। मोटू पतलू से कहता है, पतलू मुझे बहुत गर्मी लग रही है, मैं जा रहा हूँ, थोड़ा बाहर से घूम के आता हूँ। पतलू कहता है, ठीक है पर जल्दी घर आना, रात बहुत हो गई है। मोटू शहर के बाहर चला जाता है। कुछ देर चलने के बाद मोटू थक जाता है और वह वहीं पास के एक पेड़ के पास जाकर खड़ा हो जाता है। जैसे ही मोटू पेड़ को छूता है वह भूत बन जाता है। मुझको छुआ, हा 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 हा। उधर पतलू घर में मोटू का इंतजार कर रहा था। मोटू ने तो कहा था मैं घूम के जल्दी घर आ जाऊंगा, अभी तक आया नहीं, ना जाने कहाँ होगा मोटू। पतलू मोटू को ढूंढने घर से बाहर जाता है। ढूंढते ढूंढते थोड़ी देर में पतलू मोटू को ढूंढ लेता है। जैसे ही पतलू मोटू को देखता है वह बहुत ज़्यादा डर जाता है, क्योंकि मोटू तो भूत बन चुका था। मोटू पतलू से कहता है, डरो नहीं, मैं मोटू ही हूँ, जैसे ही मैंने इस पेड़ को छुआ मैं भूत बन गया, पतलू मुझे बचा लो, मुझे भूत नहीं बनना। तभी अचानक पेड़ से डरावनी आवाज़ आती है, इस आदमी ने मुझको छुआ था इसलिए मैंने इसको भूत बना दिया। पतलू सारी बात समझ गया, जिस पेड़ को मोटू ने छुआ था वह कोई साधारण पेड़ नहीं बल्कि जादुई पेड़ है। मोटू तुम रो नहीं, यह सब इस पेड़ ने किया है। पतलू पेड़ से कहता है, पेड़ जी मोटू को दोबारा भूत से आदमी बना दीजिए, आप जो कहेंगे मैं वो करूँगा, मोटू को फिर से आदमी बना दीजिए। तभी पेड़ से आवाज़ आती है, अगर तुम मेरे सवाल का जवाब दे देते हो तो मैं मोटू को दोबारा से आदमी बना दूंगा। ऐसा कौन सा फल है जिसे समय आने पर खाया जा सकता है, पिया जा सकता है और जलाया भी जा सकता है? पतलू थोड़ी देर सोचता है और उसको जवाब आ जाता है, आपके पास केवल 20 सेकंड है, आप भी अपना आंसर सोचिए। नारियल को खाया भी जा सकता है, पिया भी जा सकता है और जलाया भी जा सकता है। यह जवाब पतलू पेड़ को देता है। पतलू का जवाब सही होता है। पेड़ मोटू को वापस से आदमी बना देता है और अंत में मोटू पतलू दोनों लोगों की जान बच जाती है।